अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कॉस्ट बिहेवियर एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा उसका 8th लेक्चर है, जिसके अंदर हम कॉस्ट बिहेवियर के अंदर की चीज़ों की बात करने वाले हैं और कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट भी बनाएंगे। इससे पहले भी आप कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट सीख चुके हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मज़ीद कुछ और मॉडिफिकेशंस के साथ चीज़ों की जो चेंजिंग्स आ रही हैं उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हम अपनी कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट को बनाने वाले हैं। और जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे मिसिंग फिगर नज़र आ रहे हैं और उसको आपने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो ये एक्सरसाइज है आपकी 2.10, ठीक है, गैरिसन नोरीन ब्रीवर की बुक मैनेजेरियल अकाउंटिंग एडिशन आपका 15 है। तो इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। करेंगे हैरिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं एक ही प्रोडक्ट। अ पार्शियली कंप्लीटेड शेड्यूल ऑफ द कंपनीज टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट ओवर द रेलिवेंट रेंज ऑफ 30,000 to 50,000 यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड एनुअली इज गिवन बिलो, ठीक है ना। आपको एक डेटा दिया हुआ है या शेड्यूल दिया हुआ है जो कि पार्शियली कंप्लीटेड है, यानी कि सिर्फ इसका इतना पार्ट कंप्लीटेड है, बाकी यहाँ से पर यूनिट का पार्ट और इन दो सालों का भी पर यूनिट का पार्ट और यहाँ पर टोटल कॉस्ट का पार्ट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। एक हिस्सा कंप्लीट है, बाकी तीन हिस्से कंप्लीट नहीं है। और उसके बाद आपके पास जो है वो आपको मजीद इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि कंपनी के जो टोटल और पर यूनिट कॉस्ट है वो कितने यूनिट्स पर है, 30,000 से लेकर 50,000 यूनिट्स पर है, जो कि प्रोड्यूस भी किए जा रहे हैं और सालाना सोल्ड भी किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 30, 40 और 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड का डेटा भी मौजूद है। उसकी वेरिएबल कॉस्ट पहले पार्ट में 1,80,000 डॉलर और फिक्स कॉस्ट 3 लाख डॉलर भी बताई हुई, और टोटल कॉस्ट ये बन जाती है 4,80,000 डॉलर। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर कुछ नहीं बताया हुआ कि 40,000 यूनिट्स बेचेंगे तो उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 50 की कितनी है और फिक्स कितनी है और उसके बाद टोटल कितनी है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर दोनों पार्ट्स का पर यूनिट भी नहीं बताया हुआ है, तो ये हमने फाइंड आउट करके बताना है। उसके बाद वो आपको कह रहे हैं रिक्वायर्ड में कंप्लीट द शेड्यूल, शेड्यूल को आप कंप्लीट करें, टोटल यूनिट एंड यूनिट कॉस्ट अबव, ठीक है ना, टोटल एंड टोटल यूनिट कॉस्ट अबव, उसके साथ यानी कि यहाँ पर टोटल कॉस्ट भी आएगी और टोटल पर यूनिट कॉस्ट भी आएगी, उसको आपने कंप्लीट करके यहाँ पर इस शेड्यूल को कंप्लीट करना है। सेकेंड में कह रहे हैं कि अज्यूम करो कंपनी जो है कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल, कंपनी प्रोड्यूस भी कर रही है और सेल भी कर रही है, कितने यूनिट, 45,000 यूनिट ड्यूरिंग द ईयर एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ, ठीक है ना, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी, $16 पर यूनिट की होगी, ठीक है। और प्रिपेयर आपने कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट करनी है फॉर द ईयर, इस साल के लिए, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर इसमें किसी तरीके की कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप इसके सोल्यूशन से पहले पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि हमें ये सोल्यूशन में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे कि हम ये निकालेंगे कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। हम वेरिएबल कॉस्ट कैसे कंप्यूट करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। और एक कॉन्सेप्ट आप ये भी पढ़कर आ चुके हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है पर यूनिट के हिसाब से वो फिक्स्ड होती है, ठीक है ना, यानी कि हमेशा सेम रहेगी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती है वो आपकी सेम नहीं रहती, कॉन्स्टेंट नहीं रहती पर यूनिट के हिसाब से, वो जितने ज़्यादा यूनिट्स बनते जाएंगे उस पर वो डिस्ट्रीब्यूट होकर कम होती जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपके पास डेटा दिया हुआ था जो पहले पार्ट के अंदर, वहाँ पर आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1,80,000 डॉलर की थी और आपके पास जो यूनिट्स थे वो 30,000 बन रहे थे, आपने डिवाइड किया तो ये आपके पास $6 पर यूनिट आ गया, ठीक है ना। यहाँ नीचे मैंने शेड्यूल भी बनाया हुआ है, यूनिट प्रोड्यूस का डेटा आपके पास गिवन था और सोल्ड 30, 40 और 50,000 यूनिट्स का, और ये डेटा आपके पास कंप्लीटेड था, ठीक है ना। 1,80,000 डॉलर 30,000 यूनिट्स के हिसाब से आपके पास गिवन है और 3 लाख भी आपके पास गिवन था फिक्स कॉस्ट का और टोटल 4,80,000, यहाँ तक का पार्ट तो उसने करके दिया हुआ था, ठीक है ना। अब पर यूनिट की बात करें तो सबसे पहले हमने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करवाया टोटल यूनिट से, तो आपके पास ये आंसर आ गया किसका, $6 का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, ओके अच्छा। उसके बाद जो फिक्स कॉस्ट है वो 3 लाख की है, उसको भी हमने डिवाइड करवाया, जो कि मैंने यहाँ पर शो करवाया हुआ है कि फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करवाएंगे पर यूनिट से, तो $10 पर यूनिट आ गया
यहाँ पर पहले वाले साल का या पहले वाले केस का, तो टोटल कॉस्ट ये बन जाती है कितनी, $16 की। ओके अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पर नीचे सब क्या था, क्वेश्चन मार्क था, हमें वैल्यूज मालूम नहीं थी। तो एक बात याद रखें कि जो फिक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स रहेगी, तो 3 लाख यहाँ पर भी आ जाएगी, 3 लाख यहाँ पर भी आ जाएगी। उसके अलावा दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी फिक्स रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो 6 यहाँ पर तो पहले आप मालूम कर चुके हैं, यहाँ भी 6 रख दिया और यहाँ पर भी आपने 6 रख दिया। अब क्या करेंगे, यूनिट्स आपको मालूम है और पर यूनिट भी मालूम है, 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किस से, 40,000 से, तो 6 × 24, तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई। फिक्स कॉस्ट तो पहले से थी, कॉन्स्टेंट थी, इसको प्लस किया तो टोटल आपके पास 540 आ गया। इसी तरीके से 6 को आपने मल्टीप्लाई किया 50 से, 6 × 5 = 30, तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी आ गई, 3 लाख आ गई। फिक्स कॉस्ट तो 3 लाख सेम रहेगी, तो टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई 6 लाख। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ की जो फिक्स कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट, वो कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 40,000, जो कि यहाँ मैंने करा हुआ भी है, 7.5 आ जाएगा, और यहाँ पर आप 3 लाख को 50,000 यूनिट से करेंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा और 6 आपने यहाँ पर लिख लिया, इसका आप टोटल करवा लें, 6 + 7.5 तो 13.5 टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, और यहाँ पर 6 + 6 $12 आ जाएगी टोटल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है जी, तो जैसे जैसे आपके पास यहाँ पर यूनिट्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो फिक्स है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या होती जा रही है, वो स्प्रेड होती जा रही है आपके यूनिट्स के ऊपर, जो कि मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर के अंदर बताया था, एस्प्रेसो जो कॉफ़ी वाला हमारा क्वेश्चन था, उस अगर आपको समझ में नहीं आया था तो आप वो लेक्चर दोबारा देख सकते हैं, उस पर मैंने ये बात समझाई थी कि जो आपके यूनिट्स होते हैं इंक्रीज करते जाएंगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो स्प्रेड होती जाएगी, जब स्प्रेड होती जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी टोटल कॉस्ट है पर यूनिट के हिसाब से वो भी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा शेड्यूल कंप्लीट हो गया, जो कि हमारा पहला रिक्वायरमेंट था। इसके बाद हम सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर उसने हमें ये बात बोली थी कि भाई अगर हम 45,000 यूनिट्स बनाकर बेचते हैं ₹16 पर, तो हमारा जो हमारी कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट है वो कैसे बनेगी और नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी होगी। तो देखें, सेल आप कर रहे हैं 45,000 यूनिट्स $16 पर यूनिट के हिसाब से, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टोटल सेल हो जाएगी कितनी, $7,20,000 की। और जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो कितने के हिसाब से थे, वो 6 रुपये के हिसाब से थे, पीछे हम कंप्यूटेशन कर चुके हैं। 45,000 यूनिट्स पर जब लगेगा तो वो कितना बन जाएगा, 2,70,000। जब इसको आप माइनस करवाएंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा 4,50,000, यानी कि वो अमाउंट जो हमारी फिक्स कॉस्ट को कवर करेगी। जो फिक्स कॉस्ट है या फिक्स एक्सपेंस है हमारा, वो 3 लाख है, वो तो चेंज नहीं होगा। 450 में से 3 लाख आपने माइनस करवाया तो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम कितने की आ गई, $1,50,000 की आ गई। तो ये हमारा एक आसान सा पार्ट था, सेकंड पार्ट, जिसमें हमने कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट बनाई। आई होप कि ये आपको कम्प्लीटली समझ में आ चुका होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।